तो गाइज अभी आपने ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था गाइज न्यूज़ की, मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उन्होंने गाइज 80 करोड़ का घड़ी पहना था। तो गाइज आप सभी को ये लगा हो कि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो दिखावा कर रहे हैं, पैसा को उड़ा रहे हैं। 80 करोड़ का कोई घड़ी पहनता है, घड़ी तो 500 का भी वही टाइम दिखाएगा जो कि 80 करोड़ का दिखाएगा। लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सोच और उनका सोच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वो जो सोच में डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दरअसल गाइज जो लग्जरी वॉचेस होता है वो इतना ज़्यादा महंगा होता है, जो इसका नाम जो है करोड़ों में होता है। लेकिन गाइज जो आप नॉर्मल घड़ी जो पहनते हैं उसका गाइज बहुत ही दाम कम होता है। लेकिन गाइज अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे, इतना लग्जरी वॉच तो खरीदोगे नहीं, क्योंकि गाइज आपको तो 500 में वही टाइम दिखता है। और गाइज आप क्या करोगे कि जाकर एक गाड़ी का डब्बा खरीद के लेके आ जाओगे, जिसका शोरूम से बाहर निकलते ही 10% तक जो दाम है वो डिप्रिसिएट हो जाता है, कम हो जाता है। वहीं गाइज जो बिजनेस माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो पैसा को इस्तेमाल करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, वो लग्जरी वॉचेस खरीदते हैं। और गाइज जैसा कि 80 करोड़ घड़ी था तो लग्जरी वॉचेस का जो दाम है वो गाइज डिप्रिसिएट नहीं होता, वो अप्रिसिएट होता है, वो उसका दाम जो है घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, इसलिए वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। और गाइज 4 से 5 साल बाद जो 80 करोड़ का घड़ी है ना वो 150 करोड़ में बिक जाएगा। तो गाइज जहाँ पे आपको 70 करोड़ का आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन गाइज आप लोग क्या करोगे, जाके गाड़ी खरीद लोगे, इसका दाम जो है घटता जाता है और आपको लॉस देगा। समझे बात को? नहीं समझे तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगला वीडियो में आपको समझा देंगे।